डेरी पहुंच गया हूँ जी वी एस कलेक्शन पर बस यहाँ ठीक है हाय गाइस वेलकम डियर असल में मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए कोई डेढ़ दो सौ सूट चाहिए असल में मेरी बेटी की शादी है चाहे छोटे हो बड़े हो नॉर्मल हो लेकिन डिजाइनिंग आउट क्लास हो oh. एक मिनट गुड़िया वेलकम वेलकम माशाल्लाह हर किस्म की कलेक्शन है हमारे पास डोंट वरी वेरी हर किस्म का कपड़ा हर किस्म का डिजाइन आपको मेरी बुटीक से मिलेगा वैसे तो माशाल्लाह आप भी शक्ल से कपड़ों के स्मगलर ही लगते हैं अरे प्यारे लग रहे हैं मिर्ज़ा साहब कस्टमर आए हैं जूस मंगवाएं जल्दी ए साडी वाली जूस वाली दुकान बंद सी ताडे ऐसे भी मंगानीया गन्ने दी रहो पुत्र के नार जूस दा गिलास भेज हैं जीवीएस वो कह रहा है कि ढाई सौ रुपया पिछला दे इधर दो ना थोड़ा ये ले उनको ना जूस से बर्फ ना पावे मेरा गला फड़ जाता है तेरा सिर्फ गला नहीं फड़ जाता जिहो जी तेरी शक्ल है ना तेरे वर्ग के बंदे में सीतो जूती चुकते आप भी फड़े जाते हैं बिल पे हो चुका है जल्दी भेजो अनार के जूस का ग्लास खट्टा नहीं होना चाहिए हाँ सफेद वाले अनार का निकालो <laughs> ओके ओके okay, okay, ये देख लीजिए अठारह लाख का है ओए। वो अठारह लाख था वो पांच मरले का सूट है क्या थोड़े थोड़े पैसों पे आप लोग बहस कर रहे हैं जरा मुझे दिखाइए क्या है ये वाला है जी जरा एक्सक्यूज मी हाँ हाँ एक ग्लास वाओ, क्या जबरदस्त स्टाइल है नो जी मेरी तरफ पांच हजार डॉलर फाइनल हो गए जूस के साथ स्नैक्स भी भेजो <laughs> ओके, ओके, ओके। <laughs> स्नैक्स रुक नहीं मैं खाता गरम गरम पकौड़े मंगा लो क्यों जी ये कस्टमर की जेब को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं और फिर उसके बाद उसे डील करते हैं हाँ यानी एक ने अट्ठाईस सौ रुपए रेट लगा लिए गरम पकौड़े की बात की वो कहा लिफ्ट कराएगा क्या? और एक दूसरा कस्टमर उसने पांच हजार डॉलर का हाँ. तो वो देख के स्नैक्स भी आ गए और स्नैक्स किया

आपके कितने फाइनल हो गए हैं अभी तो तीन सूट फाइनल हुए हैं दस सूट तो मुझे दुल्हन के लिए चाहिए और पचास सूट मेहंदी के लिए चाहिए लेडीज मिर्जा साहब वो जूस लेके नहीं आ रहा ये पकड़े है। ये दाल चुगनी बंद करें उसको कहें जूस जल्दी लेके आओ जी अभी 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 अभी, अभी। आप तशरीफ रखिए मैं आपको और भी मंगवा के तशरीफ रखिए थैंक यू जल्दी से जूस मंगवाओ आप 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 बैठ जाएं बैठ जाएं चले आराम से बैठ जाएं अब तक कितने रह गए जल्दी आ जरा कोई नॉर्मल रेट के दिखाएं ये बहुत एक्सपेंसिव है अच्छा जी भाई साहब आप वैसे किधर से आए हैं मैं ऑस्ट्रेलिया से हाँ लग रहा था मुझे कि एटम कोई बार दी लग रही है तो काम क्या करते हैं वहाँ मेरी शवारमे की शॉप है वहाँ ये साढ़े मल्ले भी बंदा एक शवारमा है वो नहीं देना। <laughs> शार्मा बहुत बस यही यही वो बात है जिसकी वजह से ये साहब बाहर से आए इनके पास डॉलर्स हैं इनके लिए पंद्रह लाख बीस लाख पच्चीस लाख का सूट कोई मायने नहीं लगता वो साहब जो यहाँ है यहाँ वो कमा रहे हैं उनके लिए पंद्रह लाख रुपए का सूट एक बहुत बड़ी रकम है हाँ। और गल पंद्रह लाख दी नहीं बहू जी मैं तो बच्चों ने यह समझा कि इछले जाओ बाजार तो जाके सूट लो हाँ। ये पंद्रह लाख वाला सूट पंद्रह हजार मिल जाएगा उतो लेकिन मेरे भाई वो किसी डिजाइनर का तो नहीं बना होगा ना असल में मेरे बच्चों ने कहा कोई अच्छे डिजाइनर के सूट लेकर आने डिजाइनर्स और ब्रांड्स याद रखिए ये सिर्फ चोचले और डिजाइनर और ब्रांड्स अमीर लोगों की जेबों से पैसा निकालने का एक बहाना है एक तरीका है बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं अंगूर खटे है। <laughs> ब्रांड का और आम सूट का बड़ा फर्क होता है क्वालिटी का बड़ा फर्क होता है सिलाई का बड़ा फर्क होता है <laughs> कोई फर्क नहीं होता बस एक माइंड सेट है एहसास से कमतरी है डिजाइनर और ब्रांड करता क्या है वो टैग लगाता है और अपने नाम को बेचता है वरना चीज वही आम मार्केट में सस्ते दामों और बेहतरीन मिल जाती है हाँ जी बिल्कुल इसकी क्या प्राइस है इसकी सवा लाख सवा लाख एक मीज 70 सीसी सी <laughs> शकर मेरी आई सी कजन उन्हें पाई सी कमीज <laughs> वो जानती है तो क्यों नहीं नाल शकर ले गई भाई मेरे दस सूट तो फाइनल करें कर रहे हो जाते हैं आपके दस सूट अभी कर देता हूँ आप पहले जूस तो पी लें वाह वाह वो जरा पूछ लीजिएगा वो अनार बच्चा बाग से तोड़ने गया हुआ है मिर्जा साहब जूस क्यों लेट होता है आपने मेरा कारोबार बंद करवा देना है ना ना जी मैं लगता है कंप्यूटर तो उठा के ना तो बार जूस वाली रेहड़ी लुवानी पैनी लो मिर्जा साहब न छ आप ही जूस ला लाइया <laughs> लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सर जी मैं गरीब आदमी मुझसे प्यार करे सर यार मेरी बात सुनो <laughs> तो लगन ने मैं छोड़ सकता